अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सुलेमान खान है और मैं यहाँ कुलसुम इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट रूमेटोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। आई जस्ट वांटेड टू गिव दिस मैसेज कि रूमेटोलॉजी मेडिसिन की वो ब्रांच है जिसमें हम रूमेटिक डिजीजेस जोड़ों की मुख्तलिफ बीमारियों का लुक आफ्टर करते हैं, उसकी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट। रूमेटिक डिजीज़ जो है वो अ ग्रुप ऑफ डिजीज़ हैं जिसमें आपके ना सिर्फ जोड़ बल्कि मुख्तलिफ और आज़ा पर भी इसका असर पड़ सकता है। इसमें मिसाल के तौर पर लूपस जो कंडीशन है, सिस्टेमिक लूपस एराइथेमेटोसिस, उसमें गुर्दे पर भी इसका असर पड़ सकता है, लंग्स में भी इसका असर हो सकता है। लाइकवाइज जो स्क्लेरोडर्मा या सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस है उसमें इंटरस्टिशियल लंग डिजीज या फेफड़ों पर इसकी सख्ती का एक तकलीफ वो हो सकती है स्किन के साथ साथ। तो रूमेटिक डिजीज या जो जोड़ों की बीमारियां हैं वो जोड़ तक महदूद नहीं रहती, और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसकी इन टाइम डायग्नोसिस है कि टाइम पर ये डायग्नोस हो, इसकी तशखीस हो और फिर इसका इलाज और इसकी मैनेजमेंट हो। इसकी इसी वजह से ज़रूरत पड़ती है क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर हम इसकी डायग्नोसिस सही वक्त पर ना करें तो फिर वो कॉम्प्लिकेशंस की सूरत में जोड़ों में भी तकलीफ हो सकती है, इररिवर्सिबल डैमेज भी हो सकता है, गुर्दा भी मुतासर हो सकता है, फेफड़ों पर भी काफ़ी डैमेज इसका हो सकता है। तो इन टाइम डायग्नोसिस, टाइमली इसकी मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट और फिर फॉलोअप बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोगों का यही ख्याल होता है कि एक दफ़ा दवाई लिख दी तो फिर हम साल बाद या दो साल बाद फिर देखेंगे कि क्या इसका होता है। ऐसी बात नहीं है। इसको आपने रेगुलरली जो डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स हैं उसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होती है, और फिर हम ये भी देखते हैं कि आया एक मरीज को इसका फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। तो फॉलोअप बहुत ज़रूरी है, और जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए हो, वी आर हैप्पी टू हेल्प हियर एट कुलसुम इंटरनेशनल हॉस्पिटल। वी हैव गॉट अ वंडरफुल टीम ऑफ डॉक्टर्स हियर, अदर स्पेशलिटीज में भी, क्योंकि रूमेटोलॉजी में ये होता है कि हमें ज़रूरत पड़ती है नेफ्रोलॉजिस्ट की, पल्मोनोलॉजिस्ट की और कार्डियोलॉजिस्ट की। सो वी हैव गॉट अ गुड टीम ऑफ ऑल दीज प्रोफेशनल्स। लाइकवाइज हमारे पास इधर फिजियोथेरेपी भी है जिसमें आपको मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज और आपकी असेसमेंट हो सकती है। तो हर लिहाज से, डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल, वी कैन डू योर टेस्ट एंड यू नो वी हैव गॉट एमआरआई भी इधर है, सीटी स्कैन भी है। तो हमारे पास इधर सारी फैसिलिटीज हैं एंड आई एम अवेलेबल हियर फॉर कंसल्टेशंस एंड मोर देन हैप्पी टू सी यू ऑल इफ यू नीड एनी हेल्प। थैंक यू।